जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जैन धर्म, जैनिज्म या जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, और हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है। फिर हमने देखा कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था, ठीक है। जैन धर्म के बारे में भी कुछ कम सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे जैन धर्म के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है और पता लगाना है कि वे क्या बात है क्या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और अच्छी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रमुख जैन मंदिर। प्रमुख जैन मंदिर, प्रमुख जैन मंदिर, प्रमुख जैन मंदिर, ठीक है। अगर हम बात करें कि मौर्य काल में जो जैन धर्म है उसके लिए केंद्र किसको माना जाता था, जैसे हर किसी चीज का केंद्र होता है ना, मतलब जहां पे जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उसको उस जगह का केंद्र बोला जाता है, उसी तरीके से मौर्य काल में जैन धर्म का केंद्र किसे माना गया? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, किसे माना गया? ठीक है, तो मौर्य काल में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र मथुरा था, ठीक है। जो मथुरा था वो जैन धर्म के लिए फेमस था, ठीक है, केंद्र माना गया। दूसरी बात आती है कुछ मंदिरों के बारे में जो प्रमुख है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसने निर्माण कराया, क्या था क्या नहीं, ये पूछा जा सकता है। जैसे जैसे कर्नाटक में चामुंड शासकों ने कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर नामक मंदिर बनवाया था, कौन सा? गोमतेश्वर, ठीक है। तो गोमतेश्वर मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? वो है जैन धर्म से संबंधित है। किसने बनवाया था? चामुंड शासकों ने बनवाया था। अगली बात, ये कहाँ है, कहाँ है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहते हैं, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। तो मौर्य काल में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था जिसका नाम था मथुरा। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था गोमतेश्वर मंदिर, जिसको बाहुबली मंदिर भी कहा गया। बात हुई क्लियर? अगली बात देखते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खुजराहो का मंदिर बनवाया, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खुजराहो का मंदिर बनवाया, ठीक है। और जो खुजराहो का मंदिर है ये दोनों हिसाब से महत्वपूर्ण है, दोनों हिसाब से मतलब ये एक प्रमुख जैन मंदिर भी है और ये एक प्रमुख हिंदू मंदिर भी है, ठीक है।
हिंदू मंदिर और जैन मंदिर दोनों के लिए एक ये पवित्र स्थल है, ठीक है। जबकि जो अजंता है, अजंता की गुफाएं, ये है तीनों के लिए पवित्र है। पवित्र मतलब महत्वपूर्ण है एक तरीके से, ये समझ लो, ठीक है। इसके लिए जैन, किसके लिए बौद्ध, किसके लिए हिंदू, ठीक है। तीनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण साइट है। बात हुई क्लियर। हमने कुछ चीजें पढ़ी, जैसे कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर मंदिर बनवाया, जो जैन धर्म में एक प्रमुख मंदिर है, जिसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा है बाहुबली मंदिर किसे कहा जाता है, गोमतेश्वर मंदिर को कहा जाता है, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने बनवाया था। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के चंडेल शासकों ने खुजराव का मंदिर बनवाया था। खुजराव का मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए पवित्र है। वही अजंता की गुफाएं, ये जो है वो तीनों धर्मों के लिए पवित्र साइट माना गया। इसके लिए हिंदू हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, बात हुई क्लियर। दो खुजराव का मंदिर, ठीक है। अगर इमेज वगैरह देखोगे खुजराव के मंदिर की, तो मन में एक अलग सा बैराग उत्पन्न हो जाएगा कि मंदिर में ये चीजें, ठीक है, मंदिर में ये चीजें, अलग से बैराग उत्पन्न होगा। लेकिन ये बात अधूरी है। तो हमारे यहाँ का कल्चर जो रहा, हमारे यहाँ की संस्कृति जो रही, वो दूसरी जगह से ज्यादा डेवलप रही, ठीक है, ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग रही। लेकिन अब समय बदल गया है, अब तो अलग ही चल रहा है कुछ, उस समय ऐसा ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो आप देखो खुजराव के मंदिर में एक साइड आप कुछ ऐसी कलाकृतियां देखोगे, या कहा जाए कुछ ऐसी मूर्तियां देखोगे जिसमें दिखाया गया है, एक तरीके से पोर्नोग्राफी कह सकते हो उसको, इस तरीके की चीजें एक दीवार पे दिखा रखी है। बात हुई क्लियर। आपको मंदिर में ये चीज नहीं, वो इंसान की जो उसके क्या क्या कहा जाए उसके जीवन को दर्शाती है, ठीक है। हर किसी की चार दीवार होती है, घर की चार दीवार होती है, एक दो तीन चार, सब पे नहीं बना हुआ है। तीन दीवार आपको खाली मिलेंगी, लेकिन एक पे बना हुआ मिलेगा। बात हुई क्लियर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ को हर किसी चीज को शिक्षा के माध्यम से सिखाया गया है ना। वो तो आज का बात है कि कोई शब्द सुन लेता है तो उसके ऐसे कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया। और यही चक्कर है कि जितना परेशान हिंदुस्तान का इंसान है और कहीं का नहीं है, यही दीवारों पर लिखा मिलता है और कहीं नहीं मिलता है ना, कि यहाँ पे इस ये नंबर होगा, यहाँ पे मिले। उस वजह से परेशान है क्योंकि इंसान अपने संस्कृति भूल गया। अजंता की गुफाएं तीनों ही यहाँ पे पवित्र माने गए, तीनों के लिए पवित्र माने गए, जैन बौद्ध और हिंदू तीनों के लिए पवित्र माना गया। इसको लिखो, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान में एक जगह पड़ती है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू नाम की एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर दिलवाड़ा नामक जैन मंदिर है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में जो अरावली वाली रेंज भी है, अरावली वाली रेंज है, देखो ये हुआ गुजरात आपका, ठीक है। यहाँ आ रही है अरावली, यहाँ है राजस्थान वाला इलाका, तो यहाँ पे पड़ता है माउंट आबू। और माउंट आबू जो एक पहाड़ी का नाम है, वहां पे एक मंदिर बना हुआ है दिलवाड़ा, जो जैन संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है। बात हुई के लिए, ठीक है। तो दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पता है तो 2 नंबर मिलेंगे, नहीं पता है तो कुछ नहीं मिलेगा, गलत लगाया तो 1 नंबर जाएगा आपको, एक की तो पेनल्टी नहीं है, है ना। बस यही तो है, आपको ये देखना है कि एक की पेनल्टी नहीं है, और ये नहीं देखना कि गलत क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था कि जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन के लिए एक चिन्ह दर्शाया गया है, मृत्यु के लिए एक चिन्ह दर्शाया गया है, उनके लिए एक चिन्ह दर्शाया गया है। उसी तरीके से जब हम ये जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में भी कुछ चिन्ह का जिक्र मिलता है, जिनको हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ चिन्ह की बात की जाती है, जैसे
ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक है, जैसे ऋषभ देव, ऋषभ देव के लिए जो चिन्ह मिलता है वो मिलता है सांड या वृषभ का। सांड। ठीक है, अगला है पारसनाथ। इनके लिए जो चिन्ह मिलता है वो मिलता है सांप का। अगले हैं महावीर स्वामी। महावीर, इनके लिए जो चिन्ह मिलता है वो मिलता है शेर का। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जैन धर्म में, और ये बात पूछी जाती है एग्जाम में, और नहीं पता होता है तो दिक्कत की बात होती है। इसको लिखो और ये बात जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। देखो, कोई सा भी धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, ठीक है, हर किसी ने एक चीज पे ध्यान दिया, और वो ये बात थी और ये बात कही गई कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप जो आपके अंतर आत्मा है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, भक्ति पर ध्यान दो, ध्यान पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, इस चीज पर ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि जब इंसान ध्यान करता है तो वो उन चीजों के बारे में विचार करता है कि जिनके बारे में उसने अपने जीवन में कभी विचार ना किया हो। ठीक है, लेकिन आज के समय क्या हो गया, आज के समय तो डिजिटल एरा है, हर किसी के पास डिजिटल फोन है, सब कुछ है। फोन बुरा नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं होती, इस्तेमाल बुरा अच्छा होता है। अब उनका इस्तेमाल इस तरीके से करता है, वो कहीं बैठा है, उसको लगा कि अब वो बोर हो रहा है, उसको कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, तो वो फोन खोलेगा, स्क्रॉल करना शुरू कर, मतलब अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे सके, अपने अंदर झांक के देख सके कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बात हुई क्लियर? और इसी वजह से इंसान परेशान है। जब इंसान बाहर देखता है तो वो बाहर की दुनिया से उम्मीद लगाता है कि अब बाहर की दुनिया उसके लिए कुछ लेके आएगी, अब वो किसी से प्यार करेगा तो उससे उम्मीद लगाएगा कि हाँ जैसे मैं चाहूंगा ये वैसे चलेगी, जैसे मैं उसको चाहती हूँ ये वैसा चलेगा, ये करेगा वो करेगा, बाहर की दुनिया में ध्यान लगा हुआ है, और ये परेशानी का प्रमुख कारण है। वहीं जब इंसान ध्यान लगाता है तो वो अपने अंदर खोजता है, तो फिर वो अपने अंदर सुधार करता है। जब अपने अंदर सुधार करता है तो बाहर की चीजें खुद ही सुधर जाती है ना। बात हुई क्लियर? चलो ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में बात हुई कंप्लीट, जैन धर्म के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं जो अगले प्रमुख कुछ संप्रदाय, कुछ धर्म रहे, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वो चीजें जरूरी है, अगर इंसान को ज्ञान ना हो तो शोषण करने वालों की भीड़ लग जाती है ना। अगर इंसान को ये नहीं पता कि उसके घर से पंखा है वो कैसे ठीक होगा, तो मिस्त्री तो 500 रुपये लेके जाएगा, 1000 रुपये लेके जाएगा, है ना। वही हाल होता है जीवन में, उसको नहीं पता कि उसको रिश्ते कैसे सही करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, तो वकील तो पैसे लेके जाएगा, तलाक कराएगा, है ना, चीजें होती है। चलो इधर उधर नहीं भागते, अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं वो है आजीवक, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, हेडिंग डालो आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। अब बात आती है आजीवक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे, कौन थे? मोगलीपुत्तिस। कौन थे? मोगलीपुत्तिस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? मोगलीपुत्तिस। आजीवक संप्रदाय के रूप में, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं कौन थे? मोगलीपुत्तिस। एग्जाम में पूछा जाएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं ऑप्शन ए मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी बी और सी। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? बस यही तो छोटी सी चीज है। मोगलीपुत्तिस संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, अब अगला
सम्राट अशोक के पिता सम्राट अशोक के पिता सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, प्रमुख फॉलोवर के रूप में पूछा जाए तो अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के एक अच्छे फॉलोवर थे। और अशोक ने जो गुफाएं हैं, जो भूमि एक तरीके से कहा जाए जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो दान दी थी किसको? आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको। अनुयायी का मतलब होता है जो उसको मानते हैं, ठीक है, फॉलोवर्स, जिसको आज के समय फॉलोवर्स बोलते हैं, जो आजीवक संप्रदाय को मानते थे उनको गुफाएं दान करी थी किसने? सम्राट अशोक ने। बात हुई क्लियर। अगला है भागवत धर्म। भागवत धर्म, भागवत धर्म, इसके संस्थापक के रूप में हम जानते हैं वासुदेव को। संस्थापक के रूप में जानते हैं हम वासुदेव को, संस्थापक के रूप में जानते हैं हम वासुदेव को, ठीक है। इन्होंने एक बात कही और बात यह कही कि देखो, अगर ऊपर वालों को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई भी कर्म करो, कोई भी कांड करो, नहीं मैटर करता, आप ऊपर वालों को नहीं पा सकते। आप सोचो कि आप ऊपर वाले के वहां जाओ और उसको सोने का मुकुट दान कर दो, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा? ना, आपको परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है और वो है भक्ति। मतलब उसे मत दो जो चारों ओर आपके फैला पड़ा है, उसको, उस ऊपर वाले को मत दो, जो आपके अंदर बसा हुआ है उसको निकालो और ऊपर वाले के हाथ में रख दो। बात हुई क्लियर? कहने का मतलब था ये, ठीक है। तो सबसे अधिक भक्ति पर जोर दिया, सबसे अधिक भक्ति पर जोर दिया, ठीक है, सबसे अधिक भक्ति पर जोर दिया और विरोध किया किसका? बलि, हत्या, कर्मकांड आदि का विरोध किया और जोर दिया किस पे? भक्ति पे। मतलब इस चीज पर जोर नहीं दिया कि तुम्हारे पास जो है वो लेके जाओ, इस चीज पर जोर दिया कि जो तुम हो अपने आप को लेके जाओ, अपने हृदय को बदलो, ठीक है, भक्ति में लीन रहो, इस चीज पे जोर दिया। बात हुई क्लियर? दोनों बातों में अंतर है। जैसे भाई देखो, बलि प्रथा भारत में चली आ रही है बहुत पुराने समय से, और बलि प्रथा का अर्थ ये हुआ कि आपको ऊपर वाले से कुछ चाहिए तो ऊपर वाले को कुछ दो, लेन देन का हिसाब रखो, ठीक है। जैसे कई तरह की बलि होती है, पशु बलि होती है, अन्न बलि होती है और नर बलि होती है। नर बलि में क्या होता है कि किसी इंसान को मार के उसकी बलि दी जाती है, उसके बदले में आपके लिए काम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे भाई कई बार बाबा वगैरह बोलते हैं कि जैसे अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो वो क्या काम करता है, उससे एक भगत आता है, कोई आता है, उल्टी सीधी बातें करता है, उससे पैसे ऐंठता है, फिर कहता है जाके किसी और के घर के बच्चे की भेंट दे दे, मतलब बलि चढ़ा दे, तेरे घर बच्चे हो जाता। क्या भाई, ऐसी तो की बातें कर, ठीक है। और ये चीजें लोग आज भी मानते हैं, कमाल की बात यह है। तो चलो, हमें तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। भागवत धर्म, संस्थापक वासुदेव, सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया? भक्ति। कि भाई आप कुछ लेके आओ ना लेके आओ, किसी की हत्या करो ना करो, जो विधियां हैं उन्हें मानो मत मानो, लेकिन एक चीज को मानो, भक्ति को, कि उसको हमेशा अपने हृदय में रखो, ऊपर वाले को, भागवत धर्म, ठीक है। अगला है शैव धर्म। शैव धर्म, शैव धर्म, इसमें जो शैव धर्म के अनुयायी हैं वो किसकी पूजा करते हैं? शिव, शिव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं।
शिव की उपासना करते हैं, ठीक है। और कहा जाता है जो शिवलिंग है उसके सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, लिख लेना, शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी में मिलते हैं। आप पूरा लिखना, ठीक है। जो शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। मतलब इस समय जो भी हमें लिखा हुआ मिलता है उसको हम लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, जिस वजह से हम कह सकते हैं ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन शिवलिंग के जो प्रथम हमें प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मत्स्य पुराण में। शिवलिंग के प्रथम प्रमाणित साक्ष्य हमें मत्स्य पुराण में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मत्स्य पुराण में मिलते हैं। बात हुई क्लियर? कहाँ मिलते हैं? मत्स्य पुराण में मिलते हैं। तो अगर हम शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म में किसकी उपासना होती है? शिव की उपासना होती है। दूसरा, शिवलिंग के प्रथम जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। हम मुख्य रूप से कह नहीं सकते कि वो शिवलिंग के ही हैं, ठीक है, लेकिन जो मत्स्य पुराण है उसमें हमें प्रमाणिक रूप से शिवलिंग के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। बात हुई क्लियर? बात हुई क्लियर, ठीक है। और जो शैव धर्म है, शैव धर्म दक्षिण में अधिक फैला, ठीक है। जो शैव धर्म है वो दक्षिण भारत में अधिक फैला, दक्षिण भारत में अधिक फैला, ठीक है। और जो शैव धर्म है हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। शैव धर्म को तीन भागों में बांटा जा सकता है। शैव धर्म को तीन भागों में बांटा जा सकता है। जैसे प्रथम है पशुपतिक, पशुपतिक शैव धर्म, पशुपतिक शैव धर्म, ठीक है, यह सबसे प्राचीन शैव धर्म की शाखा है तथा इनके अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है, पंचार्थी कहा जाता है, ठीक है। तो शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? पशुपतिक, 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 ठीक है। इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं, पशुपतिक, ठीक है, पशुपतिक। बात भी क्लियर? पशुपतिक कहा जाता है, ठीक है। अगली जो शाखा है वो है कपालिक, 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 ठीक है, कपालिक। ये कौन होते हैं? आपने सुना होगा नागा बाबा के बारे में, नागा साधु के बारे में, ठीक है, जो क्या काम करते हैं? अपने पूरे शरीर में भस्म लगा के रखते हैं, या कहा जाए शमशान घाट में रहते हैं, ठीक। वो समाज से दूर, लेकिन वो केवल अपना जीवन जो है वो धार्मिक रूप से जीते हैं, ठीक है, उपासना करते हैं, उपासना में लीन रहते हैं, नागा साधु होते हैं, ठीक है। मांस वगैरह भी वो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि मांस नहीं खाते, मांस भी खाते हैं, ठीक है। उनको बोला जाता है कपालिक, कपालिक, कपालिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये होता है ना कपाल, खोपड़ी, वो क्या काम करता है? इसी खोपड़ी में खाना, इसी खोपड़ी में पानी पीना, कपाल वगैरह रखते हैं और
अपने पूरे शरीर पर भस्म वगैरह लगा के रखते हैं, कहीं ना कहीं शमशान घाट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे साधुओं को या ऐसे संप्रदाय को या इस शाखा को क्या बोला गया? कपालिक। ठीक है, ये किसकी है? शैव धर्म की। और ये किसको मानते हैं? शिव को मानते हैं। ठीक है, और ये मदिरा भी लेते हैं और अस्थि वगैरह अपने मतलब पूरे शरीर पे भस्म वगैरह लगा के रखते हैं। ये बात हुई क्लियर। अगर इसके उदाहरण के लिए देखें तो नागा साधु उन्हें इस बात से मतलब नहीं, तुम्हारे पास रोल्स रॉयल है, तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं, उन्हें इस बात से मतलब नहीं। तुम धनवान हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, उन्हें इस बात से मतलब। उनके पास जाओगे तो इंसान बन के जाओगे और इंसान बन के लौटोगे। ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे तुम मंत्री हो तो हमारी बूझ होगी ना, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, ठीक, कि अगर कोई भी है इंसान से बढ़ के नहीं है। ठीक है, नागा साधु। तीसरा है एक प्रमुख शाखा, तीसरी प्रमुख शाखा लिंगायत, लिंगायत। ठीक है, ठीक है, लिंगायत। ठीक है, जिस तरीके से नाम से हमें पता चलता है ये क्या करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है। इनको मानने वाले अनुयायी जो है, इनको मानने वाले अनुयायी जो है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। ठीक है, मतलब लिंगायत टाइप का जो शैव धर्म है वो कहाँ प्रमुख है? वो कर्नाटक में प्रमुख है, कर्नाटक में प्रमुख है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, और इसका प्रारंभ जो किया था वो क्या था? अल्लभ ने। ठीक है, और अगली बात यह है कि दो हिंदुओं में क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो वो क्या काम करते हैं कि जो उसका डेड बॉडी है उसको या तो जला देते हैं, अगर कुंवारा होता है तो उसको दफनाते भी हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा वगैरह है तो उसको जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। और अगर अलग अलग जगह अलग अलग जैसा हिसाब होता है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा है तो उसको जलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिंगायत को मानते हैं या कहा जाए जो शैव धर्म की एक शाखा है लिंगायत, जब इनके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो वो सबको जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। यह है सबको दफनाते हैं, सबको दफनाते हैं। बात हुई क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? तो हमने देखा शैव धर्म के बारे में। अगला देखते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। देखो, धर्म का एक काम है इंसानियत को बढ़ावा देना। इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सा भी धर्म का हो, ठीक है, सब धर्मों में एक ही बात कही गई है, तू चोरी मत कर, ठीक है, रिश्वत भी मत ले, किसी गरीब का हक मत मार, किस धर्म में नहीं कहा गया? सब में कहा गया है। करप्शन मत कर, सब में कहा गया। लेकिन जो सरकारी नौकरी पे होते हैं या कहा जाए जो गवर्नमेंट सर्विस पे होते हैं या कहा जाए कि जिसको भी मौका मिलता है, 90% लोग जिसको भी मौका मिलता है वो हाथ मारता है, वो चूकता नहीं है, ठीक है, वो कमाता है, तो फिर वो कौन से धर्म को मानने वाले हो? वो तो केवल एक पुकार है, एक तरीके से गिनतियां हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पुकारने वाले बहुत है, मानने वाले बहुत कम है। इस बात का ध्यान रखना, धोखे में मत आना कभी किसी के। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, इसमें जो कहा जाता है जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सबसे अधिक महत्व विष्णु को दिया जाता है।
सबसे अधिक महत्व विष्णु को दिया जाता है और जो वैष्णव धर्म को मानते हैं ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, सबसे अधिक महत्व इसमें विष्णु को दिया जाता है और ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, और वैष्णव धर्म वालों को बोला जाता है अवतारवाद। अवतारवाद ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं। विष्णु के 10 अवतार हैं, जैसे राम, परशुराम, कृष्ण, बोध, विष्णु। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अवतार हैं जिनके रूप में माना जाता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो जो हमारा धार्मिक पक्ष था, जो हमें पढ़ना था, धर्म के बारे में पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरीके से कुछ कहते हैं कि कर्मकांड का विरोध करते हैं, कुछ कहते हैं कि भक्ति भाव अच्छा है, और यह सभी धर्म में होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में भी बाद में सूफी आंदोलन पढ़ेंगे हम, ठीक है, सूफी आंदोलन पढ़ेंगे, चिश्ती आंदोलन पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे भी कई तरीके से डिवाइड कर रखा है, और ये सब धर्मों में होता है। ठीक है, कुछ इसके पक्ष में होते हैं, कुछ इसके विरोध में होते हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है, तो आज हुआ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अगले जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, वहां से सवाल अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, वहां से सवाल पूछे जाएंगे और इसका ध्यान भी रखना। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि हम सब पढ़ तो रहे लेकिन इसका रिविजन नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत की बात यहाँ आ जाती है कि हम इसका रिविजन नहीं कर पा रहे। और रिविजन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इंसान को अच्छा लगता है नई नई चीजें पढ़ना, पुरानी जो आपने पढ़ रखा है उसको रिविजन करके क्या मिलेगा, ऐसा ये कहता है, बुद्धि कहती है इंसान को, उसकी इंसान मान लेता है, वो पे निबट जाता है। बात हुई क्लियर? ठीक है, तो इसलिए अपने अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, है ना। कुछ लोग क्या काम करते हैं, एक गलती करते हैं, वो आप मत करना, वो ये करते हैं कि वो पढ़ेंगे 1 घंटा और उसको अपने ऊपर बोझ बना के रखेंगे 5 घंटे, अरे हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना, पूरे दिन वो यही सोचते रहते हैं, हमें ये पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो टाइम टेबल ही बनाते रहते हैं पूरे दिन भर, और उसमें से लागू कुछ नहीं कर पाते, गलत बात है। ठीक है, सीधा सा हिसाब है, या तो एक बार कहो मत, कहो तो फिर से छोड़ो मत। ठीक है, आपने मान लिया है उसको ठानो और करो, नहीं करोगे तो दिक्कत की बात है। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपने तो 2000 रुपये, 1100, 20,000, 30,000 जितनी फीस है उसकी भर दी, उसका तो काम पूरा हो गया। ठीक है, या ये वीडियो देख ली, एक व्यूज आ गया, ये हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो महत्व है वो आपको मिला नहीं मिला, इसका जो मुनाफा मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं मिला, सिलेक्शन होना चाहिए था मिला नहीं मिला, वो आपके जिम्मे है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, आपकी करनी आपके संग, हमारी करनी हमारे संग, इसलिए जो आपका कर्तव्य है, एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो टाइम से पढ़े, हर हिसाब से पढ़े कि किस हिसाब से एग्जाम में आएगा, और सिलेक्शन ले और जल्दी से मिठाई खिलाए, ये हर विद्यार्थी का फर्ज है। बात हुई क्लियर? तो आज की क्लास रखते हैं, ठीक है।